अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अभी आपने ये वीडियो देखी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दीवारें हमने बाथरूम की लगा दी थी, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जैसे मैं फर्शों को लगाऊंगा तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक हो गया? तो हमने फर्श लगा दिए हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ और कैसे हमने लगाए हैं, किस हिसाब से लगाते होते हैं फर्श को, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो में बने रहिए, चलते हैं, आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि हमने बाथरूमों को किस तरह से लगाया है। ठीक हो गया? किस तरह से उसको लगाना चाहिए, सारा तरीकेकार मैंने उसी वीडियो में, इस वीडियो में मैंने बताया है आपको। ठीक हो गया? चलते हैं वीडियो पे। वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है, ठीक हो गया? आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाते हैं, चलते हैं जी। जी हम देखें, जी हम आ गए हैं लाइव, आपको लाइव दिखाते हैं। ये अभी हम फर्श की तैयारी कर रहे हैं, ठीक हो गया। प्लास्टर करना है, ये प्लास्टर हमारा हो गया है, ठीक है। अभी हमने टाइल लगानी शुरू करनी है। चले जी आपको टाइल दिखाते हैं, यहाँ तक हमने लगा ली है। आप ये देख सकते हैं यहाँ तक हमारी टाइल लग गई है, आपके सामने हम ये टाइल लगा रहे हैं। ये बाथरूम के फर्श की टाइल है, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा ये फर्श लग गया है। अभी हमने अगला बाथरूम लगाना है, उसको दिखाएंगे आपको। यहाँ तक हमारे फर्श लग गया है बाथरूम का, ये लग रहा है बॉन्ड से, ठीक हो गया। ये बाथरूम का फर्श लग गया है हमारा यहाँ तक। ये बाथरूम है कमोड वाला, ठीक है। अभी डब्ल्यूसी वाले जब बाथरूम हम लगाएंगे उसको भी आपको वीडियो वॉश कराएंगे, ठीक हो गया। अभी बस यहाँ तक हमारा लग गया है, अभी आपको हम दिखलाएंगे दूसरे बाथरूम में चल करके, उसको भी हमने लगाना है, उसकी भी वीडियो आप देखेंगे, लाइव देखेंगे। ये देखेंगे इस हिसाब से हमारा फर्श लग रहा है। जी व्यूअर्स, आप गौर से देखें, इस हिसाब से लगवाना होता है, फर्श को लगाना होता है। ये देखें इस हिसाब से लगाते होते हैं, ठीक हो गया जी व्यूअर्स। अभी हमारे साइड वाले पीस रहते थे, ये हम लगा रहे हैं। हल्के हल्के से टाइल कटने लग गई थी, वो हमने काट दिए क्योंकि बाथरूम बदगुनिया था इस वजह से। यहाँ तक हमारा लग गया है, बस ये मुकम्मल हो गया है जी हमारा फर्श, आप देख सकते हैं जहाँ तक हमारा हो गया। अभी थोड़ी सी कटिंग रहती है, हमें कटिंग लगा कर इस बाथरूम को मुकम्मल कर देना है। एक पीस रहता है, इसको भी हम लगा देंगे अभी। ये देखें, ये वही बाथरूम है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। ये जी हमारा फर्श मुकम्मल हो गया है, बमाई कटिंग के साथ, सफाई सुथराई बेहतरीन। आप देख सकते हैं आपके सामने ये फर्श बन गया है। ये वॉशरूम है, आप डिज़ाइन देखें और मुझे बताना फिर डिज़ाइन कैसा है बाथरूम का, ठीक हो गया जी। पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अगला वॉशरूम, उसको हमने लगाना है, उसकी भी आप टाइल देखें, डिज़ाइन देखें। आप देख सकते हैं डिज़ाइन देखें, इसमें बाथरूम को लगा हुआ देखें किस हिसाब से हमने इसको लगाया है, सफाई सुथराई आप खुद देख सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। हाँ जी व्यूअर्स, ये हम आ गए हैं दूसरे वॉशरूम में, इसको भी हमने लगाना है, ठीक हो गया। ये तीन वॉशरूम है कमोड वाले, जिसको हमने मुकम्मल करना है।
अभी हमने जिसको लगाना है इसके दूसरे के बाद उसको दिखाते हैं। ये लग गया हमारे यहाँ तक, ठीक है। ये बाथरूम है, दूसरा बाथरूम है ये। आप डिज़ाइन चेक करें या फ्लोर चेक करें, फ्लोर इसका यहाँ तक लग गया है। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा बाथरूम ये कंप्लीट हो गया है, फर्श ठीक हो गया। अभी आप खुद देखें ये बाथरूम का डिज़ाइन अच्छा है या उसका अच्छा है। मुझसे पूछे तो ये दोनों ही वाशरूम बेहतरीन बने पड़े हैं, डिज़ाइन ठीक हो गया। इसका डिज़ाइन चेक करें और उस वाशरूम का डिज़ाइन चेक करें, दोनों ही बाथरूम जो हैं अपने अपने हिसाब से ठीक हैं। ये अपने हिसाब से ठीक है, वो अपने हिसाब से ठीक है, ठीक हो गया। हमने क्या करना होता है देखें जी, हमें तो मालिक मकान मालिक ला देते हैं, हमने लगाना होता है। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी अपने हिसाब से डिज़ाइन आप बना दो, तो हमने इस हिसाब से डिज़ाइन बनाया है, ठीक हो गया। थोड़ी सी हमने चेंजिंग की है, उनका जो डिज़ाइन था वो कुछ और था, ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है हमने थोड़ा सा चेंज किया है, तो इनको पसंद आ गया है मालकों को, ठीक हो गया। आपको पसंद आया है या नहीं आया मुझे कमेंट में बताना। तो ये तरीक़ेकार होता है भावलपुर में लगाने का।